अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर और उम्मीद सब भाई ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मेरे पास ये गाड़ी है और ये बल्ब बार बार जो है ना वो जल जाता है इसका। अभी मैं स्टार्ट करके इसकी लाइट का बल्ब दिखाता हूँ आपको। इसकी लाइट जो है ना इतनी ज़्यादा तेज़ है और लाइट ज़्यादा तेज़ होने की वजह से इसका जो बल्ब है ना वो जल जाता है। अभी इसको गाड़ी को स्टार्ट करके मैं बताता हूँ। ये जो इसका बल्ब है ना वो जल चुका है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको खोल के बताता हूँ। पहले इसका जो बल्ब है ना हेडलाइट का वो जला देती है। लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उसकी वजह से जो है ना वो बल्ब जल जाता है बार बार। उसका मेन रीज़न क्या है, अभी इसको बल्ब को मैं बाहर निकालता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका पॉइंट जो है ना अंदर से बिल्कुल उड़ चुका है। एक पॉइंट जल चुका है अच्छे तरीके के साथ, दूसरा जो है ना वो काला हो चुका है। अभी जो दूसरा बल्ब है ना वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और इसका मेन मसला पहले जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस गाड़ी का मैंने टापा ओपन करना है। टापा ओपन करने के बाद सबसे पहले जो मेन चीज़ सामने आती है वो इसका रेक्टिफायर। और इसी के मसले की वजह से ये जो है ना बल्ब जल जाता है बार बार। अभी मैं इसको जल्दी से खोल के ना दूसरा रेक्टिफायर लगा देता हूँ। मेरे पास ये जो रेक्टिफायर मौजूद है ओरिजिनल CD70 का रेक्टिफायर है, जो कि बहुत पुराना मॉडल है। तो उसका ये रेक्टिफायर मेरे पास मौजूद था पहले से, और यही मैं इसको लगा कर जो है ना वो गाड़ी को ठीक करूँगा। आप अगर आपको इस तरह का रेक्टिफायर मिले, ओरिजिनल मिले, तो वो आप लगा लें, नहीं तो आप इस तरह का जो रेक्टिफायर है ना वो नया डलवा लें। खैर मेरे पास मौजूद है ये रेक्टिफायर, ओरिजिनल है। ये देखने में छोटा है, इससे देखने में छोटा है मगर इसका काम जो है ना वो बहुत अच्छा है। इससे लाइट जो है ना वो फैलती नहीं है, लाइट जो है ना अच्छे तरीके के साथ एक जगह पर पड़ती है जैसे नई गाड़ी की होती है। उसके अलावा ये बल्ब जो है ना वो जलने नहीं देता। ये हमने कर लिया टाइट। अभी इसको बल्ब डाल के, नया जो बल्ब है ना वो डाल के, ओरिजिनल बल्ब भी मैं आप लोगों को बताता हूँ और लोकल जो है ना उसकी भी पहचान आप लोगों को बताता हूँ मैं। ये मेरे पास दोनों बल्ब मौजूद हैं। ये जो है ना ये ओरिजिनल है, जो कि ओरिजिनल गाड़ी के साथ आता है। इसके पॉइंट देख सकते हैं, और ये बल्ब ओरिजिनल है बिल्कुल, जो गाड़ी के साथ लग के आता है। ये जो लोकल है ना वो है। इसके पॉइंट देख सकते हैं, ज़्यादातर जो फ़र्क है ना इस पॉइंटिंग होता है। इसके पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं और ये इसकी शाइनिंग ज़्यादा है, इसकी शाइनिंग कम है, और इसके पॉइंट जो है ना वो टेढ़े मेढ़े हैं। तो इसमें ओरिजिनल बल्ब डाल के मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ इसकी लाइट अब कितनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और बल्ब जो है ना वो जलेगा भी नहीं। बात बात ये जो बल्ब मैंने पहले निकाला ना, ये देख सकते हैं ये जल चुका था। यहाँ से जो है ना एक पॉइंट जो है ना इसका जल चुका है एक साइड से, और एक पॉइंट जो है ना अभी बाकी है। तो ये मैंने बल्ब डालना है और इसकी लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ होगी बिल्कुल नई गाड़ी जैसी। जल्दी जल्दी से बल्ब में डाल लेता हूँ इसमें, और फिर आपको लाइट जो है ना वो चेक करवाता हूँ। करता हूँ मैं अब स्टार्ट करके इसका जो है ना वो रिज़ल्ट क्या है आप लोगों को वो मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। अब इसकी लाइट देख सकते हैं, पहले से ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, बल्कि नहीं है, ये बल्ब जलेगा नहीं। लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ेगी, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो नहीं पड़ेगी। इसकी लाइट बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। ये सिर्फ छोटे से काम के साथ एक रेक्टिफायर आप लोगों ने चेंज करना है। ये तकरीबन 150-200 रुपये का आपको मिलेगा और आपकी लाइट जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर पाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। जाए दीजिए बाबर कोला।